मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज है हमारा बर्थडे, हम दोनों का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पति। हैप्पी बर्थडे श्रीमती जी। हाय इतनी इज्जत, मैंने पति बोल दिया, पति देव परमेश्वर। श्रीमती अर्धांगनी। अरे बस बस, इतने भारी भारी शब्द मैं संभाल नहीं पाऊंगी। ठीक है, इतने भारी हो, इतने भारी शब्द तो चाहिए। क्या बोल दिया तुमने, क्या बोल दिया। तो और दिनों जैसा ये दिन, बस आजकल रिलैक्सेशन ये है कि आज छुट्टी है, इसलिए आराम से लेटे हुए अभी बस बस अभी बस अभी जो ये लेटे हैं बस यही लेटे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। अभी टाइम हो रहा है 7:30, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और। हाँ, और बर्थडे का ट्रीट मतलब पति देव ने चाय बनाकर मुझे पिला दी है, और अब बस चालू हो जाएगी। बस क्या बर्थडे क्या शर्डे, और बस लग जाना है काम में। चलिए मिलते हैं, दिखाती हूँ आपको कि आज हम अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे। ठीक है शर्मा जी, कैसे श्रीमती जी सेलिब्रेट कराएंगी। जय माता दी। आँख खुलते ही ना माता रानी का मंदिर हमने यहीं बना रखा है, और मैं तो ना बस अब मैंने तो नज़र लगा रही हूँ अपनी माता को भी और खेतरी माता को भी, मेरी आँखें ही नहीं हट रही ना अपनी खेतरी से ना अपनी माता रानी से। माता रानी की नई ड्रेस लाई हूँ मैं कल, कल पहन अष्टमी वाले दिन मैं माता को पहनाऊँगी। देखिए हमारी खेतरी माता और हमारी माता कहीं नजर न लग जाए मेरी मैया को, आज तो नजर उतारनी उतारनी है मैंने इनकी। जय माता दी। यहाँ चल रही है तन्मय की शाखा गांधी जयंती पर। शाखा का सबसे अच्छा उद्देश्य जो लगता है ना, ये अपने देश से जोड़ के रखते हैं, सब एक समान है, छोटा बड़ा अमीर गरीब सब इक्वल। ओए शुरू हो जाओ। चलिए अब बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल मिलकर शुरू कर रहे हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कपड़े धोते हुए। कौन आया है? हेलो शिमोना। हाय। कैसे हो? ठीक हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं। हाय। टाई भीजी? आइस क्लोज। टाई आइस क्लोज। ये रहा। टाई के लिए की दो चॉकलेट जो एक मेरी और एक मेरे भाई की। माता रानी ने पहना है मर्जेंटा कलर का लहंगा। जय माता दी। जय माता दी। आज है हम दोनों का जन्मदिन, और माता की कृपा से साथ साथ बर्थडे मनाते हुए हमें 26 साल हो गए हैं, और पूजा करके शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे में सबसे पहले यही माना जाता है कि जब भी जन्मदिन हो कुछ भी हो, भगवान की पूजा करके तिलक लगाकर कंगना बांधकर ही शुरुआत करनी है।
हैप्पी बर्थडे हर साल पापा जी मनाते थे हमारे साथ जन्मदिन, अब वो नहीं है तो बच्चों ने और हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि आज से हम अपनी मम्मी का बर्थडे आज के दिन ही मनाया करेंगे, क्योंकि हमें मम्मी का बर्थडे डेट नहीं मालूम है। तो आज हमारी मम्मी का भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे। आज से बर्थडे मनेगा, आज से हमारी मम्मी का भी बर्थडे है हमारे साथ। 2 अक्टूबर पापा जी की जगह मम्मी का बर्थडे मनाया करेंगे। नहीं और पता चल गया ना, आज आएगा तो 2 अक्टूबर यूँ कहते हैं जिस दिन माँ का बच्चों का जन्म होता है उसी दिन माँ का भी दूसरा जन्म होता है, तो समझ लीजिए वही वाली बात आज साबित हो गई है। तो आज से हमारी मम्मी का भी बर्थडे है, प्लीज सब लोग हमारी मम्मी को भी विश करना आज। पापा की टर्न हो गई बर्थडे बॉय की, है बर्थडे गर्ल विद बर्थडे अम्मा बॉन्डिंग। अम्मा कह रही है कि पहले समय में बर्थडे में हवन हो जाता था, कीर्तन हो जाता था और सुबह बनता था हलवा, बस वही होता था बर्थडे। माता भगवान को दर्शन करके माता रानी को मत्था टेकते थे, तिलक लगाते थे, कंगना बांधते थे और बर्थडे। अब शुरू हो गई है नई नई फैसिलिटी है बर्थडे गर्ल का, बर्थडे गर्ल का चांस। फिर से गाना गाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू। के लिए तीन तरह की तो चूड़ियां लो और तीन तरह के कड़े लो, या एक कड़े में ही हम तीन साड़ियों का काम चला ले तो किसमें फायदा है बताइए मुझे।
किसकी आंखें? कहते हैं घर जाकर आज सारे तुम्हारे कड़े निकालूंगा, इतने कड़े हैं फिर भी तुमने कड़े ले लिए। हाँ, बताओ। और मेरे पे सिर्फ दो जोड़ी जूते हैं, तो कह रही तीसरी जोड़ी लेना नहीं है। ये दो के आगे वन लगाना भूल रहा है, 12 जोड़ी जूते हैं इसके पास। 12 जोड़ी हैं? मैं खाली जूते लेके आऊंगा, देखना अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। एक जोड़ी कड़ा लिया है मैंने, कंगन लिया है उसके लिए। देखो अपनी सेविंग से लाऊंगा जूते। अपनी सेविंग से ही लाना, फिर जूते से लाऊंगा अपनी सेविंग से। एक पूरा बाजार बंद हो गया, दवाइयों की दुकानें खुली हैं। बताओ 10 बजे इतनी जल्दी बाजार कैसे बंद हो सकता है? लो जी, बीत गया एक और साल, एक साल और आगे बढ़ गए हम और फिर छूट गया पीछे बचपन। सब कुछ छूटता ही जा रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तभी तो कुछ और नई चीजें मिलेंगी। तो अच्छा रहा आज का दिन, पूर्ण सात्विक रूप से आज हमारा बर्थडे रहा। माता के आरती से शुरू हुआ और रात को माता के भोग पर ही समाप्त हो गया। कन्याओं का सामान लेकर बाजार से आए और श्रृंगार का सामान लेकर माता का आए, और उसके बाद ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया। होप आप लोगों को पसंद आया हो, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल माय नियर्स एंड डियर, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, मेरे छोटे, मेरे बड़े, मेरे स्टूडेंट्स, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। आप लोगों ने इतनी विशेस दी मेरे को, इतने फ़ोन कॉल करे, फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सअप सब फुल था हैप्पी बर्थडे से। थैंक यू सो मच, बाय। प्लीज टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।